लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। घर में मकड़ी के जाले तो समझ में भी आता है, लेकिन क्या आपने सुना है कभी पूरे शहर में मकड़ी के जाले लग गए हो? जी हाँ, ऐसा भी होता है और हम आज आपको ऐसा ही कुछ बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पर मकड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया है और जहां देखो वहां पर उन्होंने ग्रे और सफेद रंग के जाल इब्ने दिए हैं जिससे सब कुछ ढंक गया है। दरअसल ग्रीस के एक छोटे से कस्बे एटोलिको में ये हाल है जहां पर घास, पेड़ पौधे, पार्क के बेंच, तटों पर खड़ी नाव और झाड़ियां जैसी चीजों पर जाले ही जाले हैं और इनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दें, इन सब की तस्वीरें जायनाकपाउलस नाम के फोटोग्राफर ने क्लिक आकर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं। खबरों की माने तो यह काम एक खास किस्म के मकड़ों का, जिन्हें आप टायरांगाथा जीनस कह सकते हैं। ये बहुत ही हल्के और छोटे होते हैं जो पानी में ज्यादा तेजी से चलते हैं और जमीन पर भी चल सकते हैं। इन मकड़ों की खास बात यह है कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि अपने शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसके कारण स्ट्रेच स्पाइडर भी कहा जाता है। इस कस्बे में मच्छरों की संख्या अधिक है जिसके कारण ये मकड़ियां भी बढ़ती जा रही हैं और यही मकड़ियां मच्छरों का भोजन बनता जा रहा है। ठंड का मौसम आते ही ये मच्छर कम हो जाते हैं और उसके साथ ही इन मकड़ों की संख्या भी कम हो जाती है, लेकिन हर 3 से 5 साल में मकड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है।